हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ब्रीफ में फिर से आपका स्वागत है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है दोस्तों, ये 5 KVA जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग कॉयल है ये, जिसका 2 कॉयल जल चुका था, जिसको मैंने पिछली वीडियो में निकाला है। और ये दोनों कॉयल सही है कि क्या है, इसको चेक करने का तरीका भी मैं बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इस फील्ड वाइंडिंग का, ये दोनों कॉयल का वाइंडिंग करेंगे और वाइंडिंग के साथ साथ कनेक्शन भी बताएंगे। ये चारों कॉयल का, यानी 2 कॉयल वाइंडिंग करके 2 कॉयल, ये दो चारों का एक साथ कनेक्शन बताएंगे, सारे डिटेल्स समझाएंगे दोस्तों कि कैसे वाइंड होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो जैसे आपको कॉयल दिख रही है पुराना वाला, ये कॉयल तो ठीक है, उसी प्रकार सेम यहाँ पे एक कॉयल इसमें थी और यहाँ पे जो जला हुआ कॉयल थी, जिसको मैंने निकाल दिया है। और ये जो लोहा का दिखाई दे रहा है, ये इसका स्टेटर है, यानी कोर कहते हैं इसे। ये सारे कोरों का नंबर होता है दोस्तों। ये एक नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे, एक नंबर यहाँ के लिए है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, यहाँ के लिए 4 नंबर कोर है। तो आइए इसको बाइंड करते हैं दोस्तों। इसमें 2 वायर से बाइंड हुई रहती है दोस्तों, एक मोटी वायर होती है और एक पतली वायर होती है। मोटी वायर में 2 वायर से बाइंडिंग होती है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें डबल वायर के साथ बाइंडिंग होती है। मोटी वायर जो नीचे बाइंडिंग होती है और ये पतला वाला वायर है जो सिंगल वायर है, एक ही वायर इस कॉइल में देख सकते हैं आप, ये सिंगल वायर है जो मोटी वाली वायर के ऊपर से बाइंड होती है। दोनों वायर के बीच में एक पेपर लगाया जाता है जो दोनों मोटा और पतला वायर को दोनों शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो आइए दोस्तों, इसको बाइंडिंग करते हैं और कॉइल बनाते हैं। तो कॉइल बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसी लकड़ी का एक फार्मा की आवश्यकता पड़ती है जो सेम इसी कोर के साइज की होती है। जैसे देखिए इसको माप रहे हैं तो एकदम सेम साइज कोर के साइज होती है। ये 5 KVA अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग का ये फार्मा है। तो सबसे पहले इसको हम अलग हटा देते हैं, फिर इसके बाद से फार्मा में कॉयल बनाना शुरू किया जाए। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉयल बनाने वाला फार्मा है और ये भी है दोस्तों कॉयल बनाने वाला फार्मा। तो आइए इस गुटके को इस फार्मे के अंदर सेट करते हैं। सबसे पहले फार्मे में 2 प्लेट है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा हो, ये इस दोनों प्लेट के बीच में ये गुटका लगा लेंगे ऐसे, और फिर ऊपर से ये कवर लगा लेंगे और इसको फुल टाइट कर देंगे। इसमें दोनों साइड से नट है दोस्तों, दोनों साइड से नट को टाइट कर लिया जाएगा ताकि बीच वाला जो गुटका है इधर उधर ना हिले। दोस्तों, मैंने इसको फिट कर लिया है फार्मे के अंदर गुटके को। अब बारी आती है दोस्तों वायर का। तो दोस्तों, इसमें वायर जो इसमें बाइंड करेंगे तो सबसे अंदर ये 16 नंबर की 2 वायर एक साथ बाइंडिंग होती है दोस्तों, और फिर उसके ऊपर से 24 नंबर का 1 वायर बाइंडिंग होगी। तो दोस्तों, इसमें टर्न नहीं जाना जाता है, न गिना जाता है, इसमें वेट करके, ये वायर का वेट करके ही लगाया जाता है। जिसमें दोस्तों, ये मोटा वाला जो वायर है ये 850 ग्राम का रहेगा दोनों वायर मिलाकर, यानी एक सिंगल वायर 425 ग्राम लेंगे और दूसरा वाला भी 16 नंबर 425 ग्राम का लेंगे, दोनों 16 नंबर रहेगा, यानी दोनों मिलाकर 850 ग्राम तार को ऐसे ही लपेट देंगे चाहे वो जितना टर्न हो। और ठीक इसके ऊपर से 24 नंबर का वायर जो रहेगा वो भी 850 ग्राम ही रहेगा, इसके ऊपर से लपेट देंगे चाहे वो जितना टर्न से लपटाए। आइए दोस्तों, सबसे पहले 2 16 नंबर वायर जिसका वजन 850 ग्राम है, इसको हम लपेटते हैं। वायर लपेटने से पहले सबसे पहले ऐसी धागा यहाँ पे लगा लेंगे, ये कटिंग धागा लगाने के लिए दिया जाता है दोस्तों, और वायर को यहाँ से शुरू करने के लिए इसको लगा लेते हैं और यहाँ पे इसको बांध लेंगे। और ठीक नीचे वाले प्लेट में भी एक कटिंग दिया हुआ है, इस पर भी धागे से हम बांध लेंगे। ये धागा से बांधने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कॉयल को बांध के फिर फार्मे से बाहर निकालेंगे, नहीं तो कॉयल का टर्न इधर उधर बिखर ना जाए। अब आइए बाइंडिंग शुरू करते हैं। अब इस 2 वायर में एक स्लिप पहना देंगे दोस्तों, ये 3 नंबर का स्लिप है, मैंने इसको डाल दिया है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको शुरू कर देंगे, जिस हाथ से आप लपेटना चाहें इसमें लपेट सकते हैं, बाएं की तरफ से या दाहिने की तरफ से, ज़्यादा आसान रहेगा क्लॉकवाइज ही लपेटना इसमें। तो आइए इसको लपेटते हैं, बिल्कुल सीधा तरीका से इसको लपेटना है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेंगे तो लपेटना और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टर्नओवर कुछ नहीं गिनना है इसमें, जब तक कि 850 ग्राम तार खत्म ना हो जाए तब तक लपेटते रहना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मोटा वाला जो 16 नंबर का डबल वायर है जो 850 ग्राम था वो बिल्कुल खत्म हो गया है, मैंने इसमें लपेट दिया है। तो शुरुआत का लीड में स्लिप लगा हुआ है 3 नंबर,
तो लास्ट के लीड में भी 3 नंबर का स्लिप हम लगा लेंगे दोस्तों। ये इस वायर को भी हम इधर ही निकाल लेंगे, इधर पहला वाला वायर लीड निकाले थे तो यहाँ पे लपेट लेंगे। अब दोस्तों अब इसके ऊपर से हम 24 नंबर का 850 ग्राम वायर लपेटेंगे। तो वायर लपेटने से पहले दोस्तों ये टिम्प्लेक्स पेपर है, 7 नंबर पेपर है दोस्तों, ये सेम इसी साइज़ का, इससे थोड़ा सा बड़ा, जैसे एक मैंने ये इतना बड़ा रहना चाहिए, इसको कटिंग करके इतना लंबा और इसके ऊपर से लपेट लेंगे ताकि पतला वाला 24 नंबर वायर मोटा वाला 16 नंबर वायर से टच ना कर जाए। इसीलिए इसको सबसे पहले यहाँ हम लगाएंगे। तो दोस्तों ये पेपर लग चुका है हरा वाला, और पेपर लगाकर ऊपर से एक टेप लगा दिया गया है जिससे पेपर स्थायी रूप से रुका हुआ है। अब ये दोस्तों ये है 24 नंबर का 850 ग्राम वायर, तो इस वायर को भी हम इसमें लपेटना चालू करेंगे। इसमें भी हम 1 नंबर का स्लिप डाल देंगे, ये 24 नंबर के वायर में 1 नंबर का स्लिप मैं पहना दिया हूँ, और फिर उसी दिशा से इसको भी बाइंड करना शुरू कर देंगे दोस्तों, जिस दिशा से नीचे वाले कॉयल मोटा वाला कॉयल को बांधे थे। आप चाहें तो इसे मशीन पे चढ़ाकर भी लपेट सकते हैं दोस्तों। और इस फार्मा के द्वारा बता दूं कि ये जो दो लगे हुए हैं इसके लिए एक अलग से एक टेबल आता है, उसी टेबल पे इसको टाइट करके और इस हैंडल को जब घुमाएंगे ऐसे ऐसे तो वायर अपने आप इसमें लपटाएगी। लेकिन फिलहाल मैं हाथ से ही वायर को लपेट दे रहा हूँ, ये बिल्कुल देसी तरीका है दोस्तों। तो आइए फटाफट इसको लपेट कर फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ये 24 नंबर का 850 ग्राम तार को मैंने इसमें लपेट दिया है जो सिंगल था, और 16 नंबर का जो डबल वायर था इसको पहले लपेट चुका हूँ। हर एक की तरह इस पर भी स्लिप पहना देते हैं, 1 नंबर का स्लिप लगाया दोस्तों इसमें। इसके बाद से इस कॉयल को जो पहले धागा डाले फंसाए हुए थे, ये जो धागा आपको दिखाई दे रहा है, इस धागे से दोनों साइड से इसको बांध लेते हैं और कॉयल को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों इस कॉयल को इस फार्मे से निकाल लिया गया है बाहर, और इस गुटकों को इस कॉयल के बीच से इस गुटके को आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से। देखिए दोस्तों ये गुटका भी निकल चुका है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्लिप और एक वायर, दाहिने हाथ से 2 वायर और बाएं हाथ से 2 वायर निकली हुई है, 2 लीड, एक मोटी वाली वायर का एक पतली वाली वायर का। अब इसे हम टेप लगाकर सेपरेट कर लेंगे, चाहे तो आप डक्टर टेप लगा सकते हैं या पेपर टेप भी लगा सकते हैं, मैं फिलहाल में पेपर टेप इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। 2 जगह और टेप लगा लेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ऊपर वाला टेप लगाकर मैंने सेपरेट कर लिया है। अब इसको चारों तरफ से कॉटन टेप से बांध देंगे, और ये 2 लीड जो है बाएं साइड वाला बाएं साइड से निकलेगी एक साथ, और 2 लीड जो दाहिने साइड वाला है वो दाहिने साइड से निकलेगी एक साथ। तो आइए इसे फटाफट इस कॉटन टेप से बांध लेते हैं दोस्तों। 1 इंची का कॉटन टेप है, इसका मार्केट में कीमत लगभग 50 रुपये का एक रोल है, आधा रोल बचा हुआ है इसमें, ये आधा रोल खत्म हो चुका है। कॉटन टेप से ऐसे बांधना है दोस्तों कि लेयर बाय लेयर एक कॉटन टेप बंधे इस पर। इस कॉयल के ऊपर पूरी बढ़िया तरीके से कॉटन टेप लग चुका है, आप ऐसे ही कॉटन टेप लगा लेंगे कि कहीं से भी कॉयल का वायर दिखाई ना दे। अब इसे वार्निश हम करेंगे, लेकिन वार्निश करने से पहले अपने कॉयल को टेस्ट कर लेना चाहिए कि हमारा कॉयल सही तरीके से बना है कि नहीं, फिर वार्निश करना चाहिए। ये टेस्ट कर लेते हैं इस कॉयल को कि कॉयल का कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले 16 नंबर वाला वायर को हम चेक करेंगे, ये 2 वायर है दोस्तों, तो सबसे पहले ये दोनों वायर अलग अलग होना चाहिए पूरा बाइंडिंग में। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्टर से टेस्ट करेंगे इसको, तो देखिए कंटिन्यूटी टेस्टर ग्लो हो रहा है। अब इसको दोनों के में इसको सटाएंगे, दोनों 16 नंबर वायर में, तो इस बल्ब ग्लो नहीं होना चाहिए। अगर बल्ब ग्लो हो जाता है तो ये समझ लिया जाएगा कि ये दोनों तार अंदर में शॉर्ट कर गया है, लेकिन ये बाइंडिंग ठीक हुआ है, बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा है। अब इधर वाले वायर से और इधर वाले वायर को एक एक करके टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ये वाले वायर के साथ ये वाला वायर बिल्कुल ठीक बता रहा है, और ये वाला वायर के साथ ये वाला वायर बिल्कुल ठीक बता रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। देखिए अब ये दोनों मोटा वाला वायर बिल्कुल ठीक है, और पतला वाला वायर के साथ बिल्कुल बताएगा, तो समझ लिया जाएगा ठीक है। देखिए ये भी बता रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये बाइंडिंग पतला वाला भी ठीक है, और पतला वाला के साथ मोटा वाला वायर नहीं बताना चाहिए। देखिए ये नहीं बता रहा है,
और ये भी नहीं बता रहे, यानी ये बिल्कुल बाइंडिंग कंप्लीट हो गया है और टेस्टिंग भी इसका बिल्कुल सही है। अब आइए इसे फटाफट वार्निश कर लेते हैं। इसे किसी कागज के ट्रे या कहीं भी रख दीजिए ताकि इसका वार्निश नीचे वाले टेबल पे या कपड़े पे ना पड़े। इस ब्रश से इसके ऊपर जैसे पेंट करते हैं वैसे वार्निश कर देना चाहिए चारों तरफ, जहाँ जहाँ कॉटन टेप लगा है। कॉटन टेप बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, हर एक कॉटन टेप के ऊपर से इस वार्निश लेयर को बिल्कुल अच्छी तरह से पेंट करें ताकि वार्निश आपके कॉयल के अंदर तक चला जाए, कॉटन टेप के अंदर होते हुए कॉयल को छू जाए, उसी को बेहतर माना जाता है। दोस्तों वार्निश अच्छे कंपनी का प्रयोग करना चाहिए, मैं डॉक्टर वेक का वार्निश प्रयोग कर रहा हूँ इसमें, डॉक्टर वेक। तो इस कॉयल में वार्निश लग के बिल्कुल ओके हो गई, तैयार हो गया है। अब इस कॉयल को बॉडी के साथ फिट करेंगे। सूख जाने के बाद से दोस्तों इस कॉयल को धूप में एक दो घंटा सूखने के बाद से इसको बॉडी में फिट करेंगे। दोस्तों ऐसे ही आप अपने फील्ड वाइंडिंग का चारों कॉयल बना सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार के बनाए हैं। मैं तो सिर्फ दो ही कॉयल बनाऊंगा, तो चलते हैं सेम इसी तरह एक और कॉयल बनाकर उसमें भी वार्निश कर देते हैं, फिर बॉडी के साथ इसको कसते हैं। तब तक के लिए वार्निश सूख रहा है दोस्तों। दोस्तों ये वार्निश बिल्कुल सूख चुका है, अब इसको हम इस कोर के अंदर फिट करेंगे। तो कोर के अंदर फिट करने से पहले इसको ऐसे पेपर कटिंग करके और इसके ऊपर से ऐसे राउंड करेंगे ताकि ये कॉयल इस लोहे से टकराए नहीं। तो आइए सबसे पहले इस पेपर को सेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों दो जगह पेपर कटिंग हुआ है, जहाँ पे ये आमने सामने ये आ रहा है उसी आमने सामने ये कटिंग हुआ है, सेम साइज बैठ जाएगा। पुराने वाले में जैसा लगा था उसको भी देखकर कटिंग किया जा सकता है। और एक नंबर का जो नंबरिंग है दोस्तों इसको लीड की तरफ रखना है, तो ये एक नंबर इस साइड है तो लीड भी उसी साइड होनी चाहिए। और इसको ऊपर से ऐसे डाल देंगे, इसको प्रेस कर देंगे तो अपने जगह पे बिल्कुल चला जाएगा। दोस्तों इसको मैंने बैठा लिया है कॉयल को इस कोर के साथ। ये कॉयल अगर नीचे नहीं जा रही होगी दोस्तों तो आप इसको एक लकड़ी का गुटका यहाँ रख के ऊपर से हैम्बर से हीट कर सकते हैं, तो ये आसानी से नीचे चला जाएगा। जो कॉर्नर का ये पेपर है दोस्तों, ऐसे कॉर्नर का इस पेपर को काटेंगे ऐसे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेपर कटिंग कर लेंगे, बीच में ऐसा काटेंगे इतना जगह बीच में कटिंग होना चाहिए ताकि ये पेपर आसानी के साथ इसमें घुस जाए। और ये पेपर जब घुस जाएगा तो इसको चारों तरफ ऐसे फैला देना चाहिए इस टाइप का। अब इसके बाद से इसको जो इसकी बॉडी है रिंग टाइप की, उसी बॉडी में इसको फिट कर देंगे जैसे खोले थे। दोस्तों ये बिल्कुल कॉयल बन के ओके हो गया है। सेम इसी तरह दोस्तों एक और मैंने कॉयल बना लिया है और उसका भी वार्निश करके और उसको भी ऐसे ही फिट कर लिया है। देखिए आपके सामने पड़ी हुई है जो चार नंबर वाली कॉयल है, सेम ऐसे ही हो गया है। अब इस दोनों कॉयल को हम बॉडी के साथ फिट कर लेते हैं, नट बोल्ट से टाइट कर लेते हैं, फिर कनेक्शन को बताते हैं कि इसका कनेक्शन चारों कॉयल का कैसे की जाएगी। तो दोस्तों इस दोनों कॉयल को बॉडी के साथ फिट कर लिया है, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट हो गया है। अब आइए इसका कनेक्शन करते हैं और समझते हैं। अब यहाँ से कनेक्शन हम शुरू करेंगे दोस्तों। तो इसका कनेक्शन सेम एक से तीन में होता है दोस्तों, जैसे एक कॉयल यहाँ से निकला हुआ है तो अब यहाँ से हम एक दो और तीन, यानी इस कॉयल का बाएं साइड वाला लीड जो है इस कॉयल के बाएं साइड वाले में ही जाएगा, इस दोनों में ही जाएगा। ये पतला वाला पतले में जाएगा और मोटा वाला मोटा में जाएगा। आइए पहले टेम्परेरी टाइप का कनेक्शन इसको कर लेते हैं। इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ लेते हैं मोटा वाले को, ये वही पुराना वाला कॉयल है दोस्तों ये, और पतला वाला ये है इसको पतले वाले के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अब बचा ये दाहिने साइड वाला, इस कॉयल के दाहिने साइड वाला लीड। इस कॉयल के दाहिने साइड वाला लीड इस साइड वाले कॉयल के दाहिने साइड वाले में ही जाएगा, यानी एक से तीन में जाएगा, एक दो तीन इसमें आएगा। ये सेम ऐसे ही आएगा, ये मोटा वाला मोटा में चला जाएगा और ये पतला वाला जो वायर है 24 नंबर ये पतला वाला के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब बच गया ये कॉयल बाएँ साइडों का लीड इस कॉयल का, तो इस कॉयल का बाएँ साइड का लीड साइड वाले कॉयल के बाएँ साइड वायर में ही जाएगा, इसमें जाएगा दोस्तों ये। तो आइए इसको भी कर ही लेते हैं। अब ये लीड निकल गया, जैसे ये दोनों लीड निकला हुआ है ऐसे वैसे ही यहाँ से ये दोनों लीड
आउट हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों इसको बेहतरीन तरीके से स्लिप लगाकर और बढ़िया से वायर को साफ करके कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों इसका कनेक्शन डायग्राम भी मैं बना रखा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कनेक्शन डायग्राम है जो आप देख रहे हैं, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, यही दोनों मोटा और पतला वायर है। तो यहाँ से शुरू हुआ है, जैसे रेड A1 से शुरू हुआ है, तो यहाँ से शुरू हुआ है तो ये बाएं साइड वाला इस रेड के बाएं साइड वाले में ही गया है, और यहाँ से दाहिने साइड वाला दाहिने साइड में गया है, फिर बाएं साइड वाला बाएं साइड में गया है, तो ये लीड निकल गया है A2। और ब्लू वाला भी वही है, B1 यहाँ से निकला हुआ है और कनेक्शन करते 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 यहाँ से B1 दाहिने साइड से ही निकला है। एक तरीका से और समझेंगे तो इस टाइप का कनेक्शन इसको मान सकते हैं, जो आपको यहाँ पे सिंपल तरीका से दिखाई दे रहा है। दोनों बाइंडिंग का, मोटा और पतला वायर का, ये दोनों कनेक्शन है, सेम ऐसे ही कनेक्शन इसका हुआ है। तो आइए इस कनेक्शन को करके रिंग बनाकर फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों कनेक्शन करने से पहले इस वायर के ऊपर का जो पॉलिश है बिल्कुल सफाई के साथ हटाकर फिर कनेक्शन करना चाहिए, नहीं तो कार्बन आ जाते हैं। तो दोस्तों इसको जोड़ते समय इस स्लिप से मोटा स्लिप इसके ऊपर पहनाकर ऐसे एक स्लिप के ऊपर एक स्लिप चढ़ जाए, यानी एक नंबर के ऊपर तीन नंबर पहनाएंगे और ऐसे इस वायर में जॉइंट मार लेंगे। और इस जॉइंट के ऊपर इस स्लिप को पहना देंगे, बिल्कुल ये जॉइंट होकर तैयार हो गया। सेम ऐसे ही इस जॉइंट को भी करेंगे, इस स्लिप के ऊपर मोटा स्लिप लगाएंगे और इस वायर के साथ इसको जोड़ लेंगे। तो आइए फटाफट जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इन चारों कॉइल का कनेक्शन कर चुके हैं, जिस प्रकार से टेम्परेरी कनेक्शन जोड़े थे उसको परमानेंट कर दिए हैं। ये रेड वाला जो वायर दिख रहा है ये मोटा वायर का लीड है, और ये लाल वाला ये हरा वाला जो दिख रहा है ये पतला वायर का लीड है। इसी पतला वायर में से दोस्तों ये दो कनेक्शन निकल गया है, इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो अब ये पतला वाला कंटिन्यूटी बताएगा, ये दोनों इसको हटा देंगे तो कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस लगता है, 200 ओम का एक रेजिस्टेंस आता है, वही रेजिस्टेंस लगता है जो पतले वाले बाइंडिंग के सीरीज में लगता है। जैसे ये जो बाइंडिंग है ना इसके सीरीज में लगेगा, A1 और A2 जो बाइंडिंग निकला हुआ है उसी के सीरीज में कटिंग करके वो 200 ओम का रेजिस्टेंस लग जाता है। तो उसी वायर को हम पतले वाले वायर को कटिंग कर दिए हैं यहाँ पे, तो इसमें 200 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। अब आइए इसके ऊपर एक रिंग टाइप का कुछ बनाकर वायर वगैरह से और इसमें कॉटन टेप कर देंगे, ये एक भी वायर दिखाई नहीं देगा, जो भी दिखाई दे रहा है सबके ऊपर से कॉटन टेप कर देते हैं। तो दोस्तों इसका रिंग भी बना दिए हैं, जिस पर कनेक्शन हुआ है उसका रिंग, और इसमें से दोस्तों 6 लीड निकला हुआ है। लाल वाला लीड ये मोटा वाला 16 नंबर का लीड है, ये 24 नंबर का दोनों लीड है, और ये जो आप देख रहे हैं तो उसी 24 नंबर के बाइंडिंग से ये सीरीज करके ये रेजिस्टेंस का है जिसमें 200 ओम रेजिस्टेंस लगेंगे। तो दोस्तों इसका पूरा बाइंडिंग हो चुका दोनों कॉइल का, और सारे कॉइलों का कनेक्शन भी हो चुका है। अब आइए इस कनेक्शन को चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों टेस्टिंग सीरीज लैंप का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ये काम कर रहा है टेस्टिंग सीरीज लैंप। तो सबसे पहले हम मोटे वाले वायर यानी 16 नंबर वाला डबल वायर से जो बाइंडिंग में है उसको चेक करते हैं। टेस्टिंग सीरीज लैंप का बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब है बाइंडिंग ठीक है। ये बॉडी से चेक कर लेंगे, ये बॉडी भी नहीं है। और ये इसके बाद से हम ये इसको 24 नंबर वाले वायर को चेक करेंगे दोस्तों। तो देखिए 24 नंबर वाले वायर में थोड़ा बल्ब हल्की ग्लो होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है, ये भी बॉडी से नहीं है। अब 24 नंबर वाला वायर और 16 नंबर वाला वायर को दोनों को आपस में चेक करेंगे कि मेल्ड तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये भी मेल्ट नहीं है, बिल्कुल सही है, अपना बाइंडिंग बिल्कुल ओके है। अब इसको हम रोटर के साथ फिट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। और रोटर के साथ फिट करने के बाद से दोस्तों ये कनेक्शन डाइवोर्ट के पास जाते हैं, तो वो कैसे की जाती है मैं इसका वीडियो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पिछले वीडियो में 2.5 KVA के अल्टरनेटर के रूप में इसका कनेक्शन मैं बता चुका हूँ, जो सेम होता है 5 KVA और 2.5 KVA सेम होता है, और 7.5 KVA सेम होता है दोस्तों। तो आप ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं किस टाइप से डाइवोर्ट का कनेक्शन हुआ है।
तो दोस्तों ये रहा 5 KVA अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग का वीडियो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं रोज लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।